आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे न कोई दबा सकता है न झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। यूपी के फतेहपुर में पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पहुंचकर के मांगा न्याय। पुलिस कर्मियों के द्वारा अभद्रता का हुई थी शिकार। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। यूपी के फतेहपुर में हॉस्पिटल से रात में घर जा रही नर्स के साथ पुलिस कर्मियों ने अभद्रता कर छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसपी से की है। एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सीओ को जांच सौंपी है। खागा कोतवाली क्षेत्र में एक गांव की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया है। वह बीती मंगलवार की रात नवस्ता रोड स्थित साइनस अस्पताल में मरीज देखने गई थी। वह मरीज देखकर वापस एक युवक के साथ बाइक से घर जा रही थी। जैसे ही वह कुंभीपुर मोड़ के पास पहुंची, तो कार सवार कस्बा इंचार्ज समेत चार पुलिसकर्मियों ने उनकी बाइक रोक ली। गाली गलौज करते हुए आवासन कराने का आरोप लगाते हुए छेड़छाड़ी की। उसे घसीट कर कार में भरने का प्रयास किया। मोबाइल से बात कराने पर मोबाइल छीन लिया। वह किसी तरह वहां से भाग निकली। मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत एसपी से की है। एसपी ने पीड़िता को जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। आइए देखते हैं कि पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा। पेशेंट देख के वापस आ रही थी। मेरे साथ रास्ते में पुलिस वालों ने बदतमीजी की, मेरी गाड़ी रुकवाई जबरदस्ती और मेरा मोबाइल जबरदस्ती छीन लिया और दारू भी पी रखे थे सब लोग। जबरदस्ती मेरे साथ दे गए, चलो तुमको वो भी चौकसी लेके तुम्हारा वहाँ अबॉर्शन करते हैं, बच्चे की बात नहीं करके। कितने पुलिस वाले थे? छह पुलिस वाले थे। अच्छा, क्या नाम है? रितेश राय दरोगा जी थे। उन्होंने अपना नाम बताया कि तुम मुझे जानती हो। मैंने कहा जी नहीं सर, क्या मेरा नाम रितेश राय है। एसपी से मुलाकात हुई क्या कहा उन्होंने? एसपी से मुलाकात हुई क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा हम कार्रवाई शुरू करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।